नमस्कार। आज करवा चौथ का दिन है। आपको मालूम है करवा चौथ क्यों मनाते हैं? आज मेरा प्रश्न है उन सभी महिलाओं से जो करवा चौथ का व्रत रख रही हैं, शाम को कथा कहती हैं, रात को चंद्रमा के दर्शन कर भोजन करती हैं। क्यों करते हैं आप करवा चौथ? यह कितना प्रासंगिक है आज के इस युग में। यू मस्ट बी इफ यू गूगल इट यू गेट अ लॉट ऑफ स्टोरीज अबाउट द लेडी वॉज द करवा, उनके हस्बैंड को मगरमच्छ ने पकड़ लिया, सात भाई थे, इसी तमाम कहानी आपको मिलेगी। पर भी कोई एक लक्ष्य या एक टारगेट ऐसा नहीं मिलेगा जिसके कारण हमें ये चीज को आगे ले जाना पड़ेगा। इस जो करवा चौथ की परंपरा है, इसके माध्यम से ये कहा जाता है कि पत्नी अगर भूखी रहे, शाम को चंद्रमा को देखकर भोजन करे, तो उसकी पति की आयु बढ़ती है, पति स्वस्थ रहता है। पति के स्वास्थ्य के लिए, आयु के लिए प्रार्थना करना, लेकिन भूखे रहकर ये कहीं आज के परिवेश में समझ नहीं आता। महिलाएं प्रोफेशनल लोग हैं। आज हाउ मेनी परसेंटेज इज टू परफॉर्मिंग द करवा चौथ? एक वक्त जो करता धीरे धीरे शने शने वह कम होता जाता है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि जो भी आप करवा चौथ आप कर रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि आपकी भावनाओं के साथ मैं प्रणाम करता हूँ आपकी भावनाओं। लेकिन जो नहीं कर रहे हैं पर मन में गिल्ट है कि यार करवा चौथ में तो नहीं कर पा रहे, उस दिन के लिए कोई भी अपनी एक प्रिय चीज को छोड़ना है, उस दिन वो प्रिय चीज नहीं खाए, आपका करवा चौथ का व्रत स्वीकार होगा। वो प्रिय चीज क्यों छोड़े? इसके लिए कि मेरे पति की आयु अच्छी हो, मेरा पति हेल्दी रहे, ये कंडीशन के साथ हम वो कर रहे हैं। लेकिन ये प्रेयर कर दें आप, मैं एक प्रेयर के माध्यम से कहें कि कोई भी प्रिय चीज को छोड़ दें, भोजन बराबर आप करें क्योंकि आप प्रोफेशनल में इन्वॉल्व है, बट वी हैव टू रिस्पेक्ट अवर रिचुअल, बट टाइम टू टाइम वी हैव टू रिकैलकुलेट, है ना? तो मेरा आप सबसे निवेदन है जो मेरी आवाज सुन रहे, करवा चौथ को इस प्रकार ही ले, और जो कर रहे हैं विधिवत वो तो करें। आजकल करवा चौथ को एक पार्टी का उत्सव बना दिया, महिलाएं मिलकर कलेक्टिवली एक होटल में करवा चौथ सेलिब्रेशन करती, कहीं ना कहीं हमारे त्योहार के साथ एक प्रदर्शन भी जुड़ गया है। इस पर भी ध्यान दें, यह पति पत्नी के बीच का एक आपस का एकमात्र एक व्रत है, कलेक्टिवली नहीं करना। पति पत्नी के दोनों के आपस की बातचीत है वो करो, हम कलेक्टिवली आते, कलेक्टिवली आप करो, गेट टुगेदर करो, पिटी पार्टी करो, लेकिन इस नाम से मत करो। जहां तक मेरा व्यक्तिगत विषय है, जीवन आपका है, सुझाव मेरा खुश रहे, सुखी रहे, समृद्ध रहे। समय समय पर मैं आपको त्योहार के बारे में बताने आता रहूंगा, और त्योहार आज के समय किस रूप से प्रासंगिक रहेंगे, आज के सुबह में किस रूप से उनको लें, यह बताने आपके बीच जाऊंगा। नमस्कार।